एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा दुबई यूई विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए। स्पेशली जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से दुबई या यूई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर, तो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। दो दिन पहले कुछ विजिट वीज़ा होल्डर्स को दुबई एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया गया था, मतलब अपने देश वापस भेज दिया गया था, क्योंकि उन लोगों ने एज़ पर दुबई यूई गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर ट्रैवल करने के लिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं किया था, तो इसलिए उन लोगों को वापस भेज दिया गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो देखिए, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर ट्रैवल करने के लिए आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से दुबई आना चाहते हैं विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पर, तो नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास शो मनी होना चाहिए। शो मनी मिनिमम 3,000 dirham to 4,000 dirham होना चाहिए, और आपके पास मतलब डेबिट कार्ड भी रखे, मतलब जो ATM कार्ड या डेबिट कार्ड, तो ये आप बोल सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कि बाकी पैसे मेरे बैंक में है, क्योंकि अभी जो इमिग्रेशन में बहुत सख्त चेकिंग हो रहा है, बीच में थोड़ा सा ढील दिया गया था लेकिन अभी जो चेकिंग बहुत सख्त हो रहा है, तो इसलिए आपके पास शो मनी होना चाहिए 3,000 dirham to 4,000 dirham। नंबर टू, आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। देखिए, जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो घूमने के लिए ही आते हैं, तो इसलिए आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड इधर है दुबई यूई में, तो रिलेटिव फ्रेंड्स का डिटेल्स, जैसे वीज़ा का डिटेल्स, ईमेल आईडी का डिटेल्स, उनका मोबाइल नंबर, और अगर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो और भी अच्छा है, मतलब अगर कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है तो उनका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स को आप शो कर सकें। नंबर थ्री, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, मतलब कोई डमी टिकट नहीं, रिटर्न वैलिड रिटर्न टिकट होना चाहिए, ओरिजिनल रिटर्न टिकट, क्योंकि अगर आप डमी टिकट पर ट्रैवल करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर अगर सिस्टम में चेक करते हैं, अगर वो डमी शो होता है तो आप फंस जाएंगे, आपको वहीं से ही रिटर्न कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपके पास वैलिड रिटर्न टिकट होना चाहिए। और एक चीज़ है, आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का रिमेनिंग वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। ये अगर 6 मंथ से अगर एक दिन कम होगा तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा, इसलिए रिमेनिंग वैलिडिटी पासपोर्ट का वो भी मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल करते हैं कि मतलब दुबई, आपका दुबई आने का पर्पस क्या है, आपको बताना है कि मैं टूरिस्ट पर्पस दुबई आया हूँ। आप ये ना बताएं कि आप जॉब सर्चिंग के लिए आए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा विजिट वीज़ा सिर्फ घूमने के लिए होता है, तो आपको ये बताना है कि मैं टूरिस्ट पर्पस दुबई आया हूँ, ये आपको बताना है। तो दुबई यूई विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल करने के लिए अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हैं, तो ये सारे चीज़ आपको फॉलो करना होगा, तो ही आप दुबई यूई में एंट्री कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।